इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंडी न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रभारी एलओ जोन द्वारा भ्रमण कर लोगों से की जा रही है अपील। 21 दिन का लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। जनपद में धारा 144 लागू है। कहीं पर इकट्ठा ना हो। आवश्यक वस्तुएं बिकेंगी, जैसे दूध, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर, फल, सब्जी इत्यादि। दुकानों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। पंक्तिबद्ध होकर आवश्यक दूरी कम से कम 1 मीटर बनाकर खड़े हों। व्यापारी, दुकानदार, जमाखोरी, कालाबाजारी ना करें। साथ ही साथ निर्धारित मूल्य से अतिरिक्त मूल्य पर बिक्री ना करें। पुलिस प्रशासन सतर्क दृष्टि रखे हुए है। उल्लंघन करने पर आईपीसी अधिनियम संख्या 45/1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। अफवाह और दहशत ना फैलाएं। पुलिस को सूचित करें, कानून हाथ में ना लें। अयोध्या से अंबिकानंद त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। लड़ने के लिए सबसे अहम कदम यही है कि आप लोग घरों से बाहर न निकलें। यदि आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर निकलता है और किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो हमें ये नहीं पता है आज कौन सा व्यक्ति कोरोना का शिकार हुआ है, और उसके संपर्क में आने के बाद जब वो घर में आएगा और घर के प्रत्येक सदस्य को कोरोना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको कदापि घर से बाहर नहीं निकलना है। विशेष परिस्थिति में आपको घर से यदि बाहर भी निकलना है, जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। आप उन नंबरों पे बात कर लीजिए, उसके बाद आपकी समस्या अपने आप हल कर दी जाएगी। अमेठी समाजवादी महिला महासचिव गुंजन सिंह के द्वारा घर घर जाकर कोरोना बीमारी के संदर्भ में बताकर गरीब मजदूरों को दिया जा रहा भोजन की व्यवस्था। इस पहल का क्या? देखिए, इस पहल का सभी मतलब है कि जो कहते हैं मजदूर हैं इनको तो इनको अभी जो है जैसे रजिस्ट्रेशन के तहत 1,000 रुपये के लिए उस पर हुआ था कि इन लोगों को मिलेगा राशन, लेकिन अभी कहीं कुछ इनका नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहल है कि घर घर गाँव गाँव जाकर जो गरीब मजदूर हो उनके घर खाना बिताना कराना। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो ठीक है, कोरोना से आप बचा लेंगे, लेकिन जिनको आप घर बैठा रहे हैं उनको आप भूख से कैसे बचाएंगे जो है। तो हमारे सिर्फ यही पहल है कि मजदूर परेशान ना हो पाए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो है उनके लिए जो है 70 से ज़्यादा जनता सर्वोपरि है। तो हम लोग ये पहल हमारी जब तक ये चलता रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, तब तक हम लोग घर जाकर जो है ऐसे राशन वितरण।